भाइयों बहनों, अपने नौजवानों के लिए सरकार स्मार्टफोन और टैबलेट लेकर के आ रही है। आप देखना, स्मार्ट नौजवान बनेगा यूपी का। अब मोबाइल फोन और स्मार्टफोन के माध्यम से और टैबलेट के माध्यम से ही सारी गतिविधियां, घर में बैठकर के ऑनलाइन एजुकेशन की पूरी व्यवस्था भी होने जा रही है। इस सब के लिए आपको मैं बधाई देता हूं, आजमगढ़ वासियों को, मऊ जनपद वासियों को, इस विश्वविद्यालय के लिए बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो लैपटॉप और टैबलेट बांटेंगे और उत्तर प्रदेश को युवा को स्मार्ट नौजवान बनाएंगे। लैपटॉप की पहल आप बहुत पहले कर चुके थे, अब वो कह रहे हैं कि स्मार्ट नौजवान बनाएंगे। जिस सरकार ने 4.5 साल लैपटॉप ना बांटा हो, 4.5 साल न जाने कौन सी टैबलेट देते रहे, अब चुनाव आ गया है तो उन्हें लैपटॉप भी याद आ गया, टैबलेट भी याद आ गई। और जो मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चला पा रहा, वो क्या लैपटॉप बांटेगा। ये आज उत्तर प्रदेश में एक योगी सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश को योगी सरकार चाहिए जो आज के समय को समझता हो, इंटरनेट को समझता हो, सोशल मीडिया को समझता हो। आज जो तमाम प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिजनेस हो रही है, जहाँ पे एक दूसरे से चीजों का कारोबार चल रहा है, वो चीज समझता हो, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। एक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जो लैपटॉप ही नहीं चलाना जानता हो। अब तो सुनने में आया कि वो स्मार्ट मोबाइल नहीं चला पाते हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो अखबार नहीं पढ़ते मुख्यमंत्री। सोचो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उनकी जांच करने वाले तमाम संस्थाओं पर सवाल खड़े किए। अगर सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़ा करे तो क्या जवाब है सरकार के पास।